स्टडी विद इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने 50 क्वेश्चन तक हमने टेस्ट नंबर 2 के कर लिए थे और बाकी के हमें 51 से क्वेश्चंस को चालू करने हैं। हमने 4 पार्ट्स इसके बना रखे हैं, आप जा कर के एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और बाकी जितने भी 4 पार्ट्स हैं उनको देख लीजिएगा। उसके बाद कि ये पाँचों पार्ट जो बनाया जा रहा है 51 से, उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो इसके 4 पार्ट देखने के बाद अब ये पांचवा वाला पार्ट जो है टेस्ट नंबर 2 का देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। दूसरा है, ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। उपयुक्त कथनों के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बादल है जो इन दोनों कथनों का वर्णन करता है, ठीक है। इसमें जो है पक्षाभ मेघ लिखा गया है, एक है कपासी मेघ, तीसरा है स्त्री मेघ और चौथा है वर्षा मेघ। पहले हम पक्षाभ मेघ के बारे में जानते हैं। पक्षाभ मेघ वे होते हैं इनका निर्माण जो है 8,000 से 12,000 किलोमीटर की ऊँचाई पर, 8 से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। तो इसके आधार पर तो हमारा जो पहला और दूसरा कथन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए पहला तो नहीं होगा। और दूसरे पे चलते हैं। दूसरा कहता है कपासी मेघ। कपासी मेघ वे मेघ होते हैं जो रुई के समान प्रतीत होते हैं, जिससे नाम से ही लग रहा है कपासी मेघ, यानी कॉटन के टाइप के जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, उनको कपासी मेघ कहा जाता है। ये प्रायः जो है 4,000 से 7,000, ये 4 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये फैले हुए इधर उधर बिखरे हुए रूप में देखे जा सकते हैं। ये चपटे आकार वाले होते हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर जो है पहला और दूसरा भी कथन सही नहीं हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरे पर चलते हैं, अस्तरी मेघ। अस्तरी मेघ भी होते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये परतदार तरीके के बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। ये अस्तरी मेघ के बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखिए, ये जो पहला कथन है और दूसरा कथन है, ये तीसरे अस्तरी मेघ को सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरह से, और इसलिए जो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, अस्तरी मेघ, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और थोड़ा सा वर्षा मेघ के बारे में भी जान लेते हैं। वर्षा मेघ वे होते हैं जो काले और स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य अस्तरों या पृथ्वी के सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं, मतलब पारदर्शी नहीं होते, ये आर पार नहीं देखे जा सकते हैं। कभी कभी ये बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। जो बारिश वाले बादल होते हैं वे मोटे जलवाष्प की आकृति विहित संहिति के होते हैं, ठीक है, संहिता प्रकार के होते हैं। अलग तरीके की आकृति वाले मोटे जलवाष्प को कैरी करने वाले बादल होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिवर्स रेप, पहला कथन है, रिवर्स रेपो सामान्यकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो की दरें बढ़ा देता है। और दूसरा है, रिवर्स रेपो सामान्यकरण का उद्देश्य मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाना है, ठीक है। पहली बात तो रिवर्स रेपो रेट क्या होते हैं। रिवर्स रेपो रेट का मतलब वो होता है जो RBI वाणिज्यिक बैंकों को, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको पे करता है जब वे RBI के पास अपनी तरलता यानी लिक्विडिटी को जमा करते हैं, तो उनको रिवर्स रेपो कहा जाता है। और रिवर्स रेपो का जो सामान्यीकरण यानी रिवर्स रेपो का जो जनरलाइजेशन होता है, ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन, उसका मतलब यह है कि जब रिवर्स रेपो के रेट में, रिवर्स रेपो रेट में जब रेट में वृद्धि होती है, जब रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती है, तो इसको रिवर्स रेपो सामान्यीकरण के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो पहला लिखा था रिवर्स रेपो सामान्यीकरण में केंद्रीय बैंक रिवर्स रेपो रेट की दरें बढ़ा देता है, तो पहला कथन तो सही हो रहा है, क्योंकि सामान्यीकरण में हमने आपको बताया कि जो जनरलाइजेशन वाला फंडा होता है उसमें जो है केंद्रीय बैंक जो होता है, जो सेंट्रल बैंक जैसे हमारा RBI है, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो इसलिए उसके अनुसार हमारा पहला कथन सत्य होता है। दूसरा है, रिवर्स रेपो रेट का उद्देश्य मुद्रा स्फीति पर अंकुश लगाना है। अब रिवर्स रेपो रेट से आप जिस रेपो रेट में क्या होता है कि जो हमारा बैंक होता है वो जो भी रेट के तौर पर जितने भी मार्केट में जो महंगाई होती है, जो तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो अंकुश कैसे लगाएगा। जब वो मुद्रा स्फीति बहुत ज़्यादा हुई होगी तो उसको उस पर जो है
बाध्यता जो है डालने के लिए क्या करेगा, वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिससे तरलता जो लिक्विडिटी अतिरिक्त मात्रा में बाजार में चली गई है उसको वो एब्जॉर्व कर लेगा। एब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा कि मुद्रास्फीति जो बड़ी हुई मात्रा में दिख रही थी वो जो है अपने नॉर्मल स्टेज पर दिखाई देने लग जाएगी। तो पहला कथन, दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। सी इज राइट आंसर। सामान्यकरण की ये प्रक्रिया ज़्यादातर क्या होता है कि जो इसका उद्देश्य मेन तौर पर अगर हम देखें तो मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना ही होता है, यानी महंगाई अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो उसको रोकना हमारे सेंट्रल बैंक की जो है जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बाज़ार में जितनी भी अतिरिक्त तरलता है, जो लिक्विडिटी है, उसको कम करे, जिससे अर्थव्यवस्था में जो है सबसे हाईएस्ट जो उच्च ब्याज दर वाला स्थिति उत्पन्न हो गया है उसको नॉर्मलाइज करके वो जो है किसी भी तरीके की मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाए। इस प्रकार उपभोक्ताओं के बीच क्या होता है, पैसे की मांग होती है वो कम हो जाती है और व्यवसाय करने के लिए उधार लेना और भी महंगा हो जाता है। ठीक है, तो हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53, 53 पे चलते हैं। 53 में कहता है बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सर्वेक्षण सम्मेलन मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम GTF द्वारा आयोजित किया गया था। और दूसरा कहता है कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो पूरी तरह से फैक्चुअल है और ये सही है। ठीक है, और तीसरा कथन कहता है कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक भारत में मौजूद है, तो ये भी बात सही है। पहला, दूसरा, तीसरा अगर हमने सही मार्क कर लिया है तो हमें पहले को चेक करना है कि पहला कथन सही है कि नहीं। तो अगर हम पहले कथन को चेक करें तो पहला कथन भी हमारा सत्य ही है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य होते ही हमारा डी इज राइट आंसर हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम की प्रगति जो है बाघ और संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं की जो समीक्षा के लिए यह जो सम्मेलन था, एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन था, मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम के द्वारा आयोजित किया गया था। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि बाघ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धताओं को शामिल किया जाए। इसका आयोजन जो है मलेशिया सरकार बताई दी है GTF के द्वारा किया गया था। और 2022 के अंत में रूस में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट के लिए नई दिल्ली घोषणा को अंतिम रूप देने की दिशा में बाघ रेंज वाले देशों को सुविधा प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोग सभी लोगों को बता दिया मैंने। ठीक है, और वैश्विक बाघों की आबादी जो 70% से अधिक जो है भारत में है। तो भारत ने ज़्यादातर क्या है, बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्षित वर्ष 2022 से 4 वर्ष पहले ही वर्ष 2018 में बाघों की आबादी को दुगुना करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। ये भारत के संदर्भ में जो है सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास को मापने का उपागम नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी इसमें जो तथ्य दिए गए हैं, क्षमता उपागम, जनसांख्यिकी उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकताओं उपागम, इन चारों को हमें चेक करना है कि इसमें से मानव विकास को मापने के लिए कौन सा ऐसा उपागम है जिसको हम शामिल नहीं करते हैं। क्षमता उपागम ये सही है, जनसांख्यिकी उपागम इस पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको, और दूसरा, तीसरा है कल्याण उपागम, ये भी बात सही है। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो कल्याण ही सबसे सर्वोपरि जो है चीज़ है, जिससे जनता का जो है भलाई करने के लिए, उनके विकास करने के लिए जो है जितने भी सरकारें हैं अपने नए नए कानून, अपने पॉलिसीज़, जो भी नीतियाँ होती हैं उनमें बदलाव करते रहते हैं समय समय पर। ठीक है, और क्षमता उपागम, मानव विकास को अगर हमें विकसित करना है, उनको और बेहतर बनाना है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, यानी सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। तो पहला और तीसरा, न्यूनतम आवश्यकता उपागम, अब तीसरा इसलिए, ये जो डी वाला ऑप्शन है ये भी सही इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या है कि न्यूनतम की सबसे कम कौन कौन सी जो आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, अगर ये तीनों चीज़ें किसी व्यक्ति को अवेलेबल नहीं हो पा रही, उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो मतलब ये है कि जो व्यक्ति है वो गरीबी से भी बहुत बुरी कंडीशन में अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। तो ठीक है, तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। और ये जनसांख्यिकी उपागम, जनसांख्यिकी का इसमें बहुत बड़ा कोई जरूर कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है, और हमें गलत ही बताना था इसमें से कौन सा उपागम नहीं है। तो जनसांख्यिकी उपागम जो है मानव विकास को मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरी तथ्य नहीं है। ठीक है,
55 कहता है कि यह पौधा, हमें बताना है कि ये पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पहचानना है कि ये किस फसल के बारे में बात की जा रही है। पर तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि यह पौधा समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अच्छी तरह से बढ़ता है। इसे 12 घंटे के फोटो पीरियड यानी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। यही कई अलग अलग प्रकार की मिट्टी में उगता है, लेकिन 6 से 8 इसका पीएच वैल्यू होता है, जिसमें कैल्शियम ह्यूमस युक्त अच्छी तरह से शुष्क मृदा सबसे 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 अधिक जो है इसका उत्पादन होता है। इसके प्रति जो है 1000 से 1500 मिलीमीटर की वर्षा पर्याप्त होती है। और इन्हीं के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फसल है जो इन पूरी सेंटेंस को जो है सेटिस्फाई करती है। तो इसके लिए तो आपको अगर इन सारी जितनी भी फसलें देखेंगे, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, बाजरा हो गया, केसर हो गया, इनके बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको जो है टिक कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। केसर क्या होता है कि एक तरह का पौधा होता है जिसमें फूल के धागे जैसी एक संरचना होती है, जिसमें केसर का उपयोग जो है मसाले के जो स्पाइसेस हमारे होते हैं, जो स्पाइसेस होते हैं उसमें बनाने में किया जाता है। पहली शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास जो है एशियाई प्रवासियों द्वारा कश्मीर में केसर की खेती शुरू की गई थी। ठीक है, ये हमारे सांस्कृतिक विरासत का एक तरह का प्रतिनिधित्व करता है जो कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है। केसर की विशेष रूप से जो पैदावार होती है वो करेवा मिट्टी यानी काले रंग की एक मिट्टी होती है, उसमें पैदावार काफ़ी विशेष रूप से जो है बढ़ी हुई मात्रा में होती है। ठीक है, अब केसर की खेती के लिए उपयुक्त गर्मी सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें गर्मियों में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो तथा सर्दियों में -15 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहना चाहिए, तभी इसकी इस तरह की जलवायु में जो है केसर की पैदावार सबसे बेहतर होती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिपिंग और नेविगेशन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI का गठन किया गया था। और दूसरा है, सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। जो है ये दूसरा वाला जो है इस पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको कि ये सही है या गलत है, लेकिन पहला वाला जो कथन है ये सत्य है, पूरी तरह से सत्य बात है। और दूसरा वाला जो लिखा गया है कि सभी जलमार्ग केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं, ये अब एक बार आप थोड़ी देर के लिए अगर आप ठहर कर सोचेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ गलत हो सकती है, क्योंकि जो जलमार्ग हैं वे बाकी जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे उन अलग अलग राज्यों में जलमार्ग की स्थिति मौजूद है। तो जो जितने भी जलमार्गों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, तो उसमें सभी राज्यों को अथॉरिटी अगर नहीं दिया जाएगा तो केंद्र सरकार सबको जो है सबको लेकर के जो भी नीतियां हैं उनको बनाने में और उनको उन पे जितनी भी कार्यवाहियां हैं उनको पूरी करने में उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए राज्यों के संदर्भ में जो क्या होता है कि संवैधानिक प्रावधान है कि केवल वे जलमार्ग जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वे ही केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। इसी चीज़ से हमें पता चल जाता है कि दूसरा वाला कथन जो है गलत है। और जो शेष जलमार्ग हैं वो संबंधित राज्य के जो सरकार है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किए जा चुके हैं वे केंद्र सरकार के दायरे में आएंगे, बाकी जो भी शेष जलमार्ग बचेंगे वो राज्य के अंतर्गत आने वाले जलमार्गों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला कथन सही होता है, तो ए इज राइट आंसर। 57 कहता है कि जो भोजन संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकेंड, अब ये 57 कहता है कि भोजन संग्रह के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। भोजन संग्रह के संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा कथन कहता है कि भोजन संग्रह केवल उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली में किया जाता है। केवल वाला संदर्भ जो है मोस्टली जो है ये गलत ही आपको कथन दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला कथन तो सही है, तो दूसरा जो है सचमुच में जो है ये गलत ही है। तो पहला अगर सही होता है दूसरा गलत होता है तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है। अब दूसरा गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि भोजन संग्रह का कार्य जो है उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली तो शामिल हैं ही, साथ साथ ही जो है निम्न अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं जैसे अमेजन बेसिन हो गया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाला रीजन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ ईस्ट एशिया के जो आंतरिक भाग हैं
वो भी जो है भोजन संग्रह के अंतर्गत आने वाले प्रदेश हैं, ठीक है, रीजन हैं, क्षेत्र हैं। तो दूसरा कथन गलत होते ही हमारा पहला सही होता है, तो यही इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि निम्नलिखित देशों में से G20 के कौन से ऐसे देश हैं जो G20 के हिस्सा हैं। पहला है अर्जेंटीना, दूसरा है मैक्सिको, तीसरा है सऊदी अरब यानी UAE, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका, और पाँचवा है भारत। ठीक है, इसके लिए आपको एक बार थोड़ा सा इसके ओवरव्यू लेकर के आपको समझना पड़ेगा कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, तो G20 में थोड़ा समझा लेते हैं, अपनी जानकारी को जो है इन्हेंस कर लेते हैं, कुछ ऐड ऑन कर लेते हैं। तो G20 जो है ये वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो प्रतिनिधि हैं, और यूरोपियन यूनियन और साथ में 19 देशों का 19 जो देश हैं उनका एक अनौपचारिक इनफॉर्मल समूह है, ग्रुप है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन, एक तरह की ये संस्थाएं हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें केवल जो है 20 देश शामिल हैं, तो आपके लिए कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पर ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सही मार्क कर सकते हो कि इसमें से कौन सा कथन गलत होगा। अगर ये पूछता है कि इसमें जी ट्वेंटी जो देशों का ग्रुप है उसमें 20 देश शामिल है, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 इंस्टीट्यूशन भी शामिल हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है और यूरोपियन यूनियन, और बाकी जो 19 देश हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा अब हमें पता करना है कि ये जो 19 देश है इसमें कौन कौन से 19 देश हैं। अब इसकी सदस्यता के लिए क्या होती है, सबसे बड़ी उन्नत जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं वे शामिल होती हैं, जो दुनिया की आबादी लगभग 2/3 और उनकी GDP का 85% होता है, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो होता है उनकी 80%, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 80%, और वैश्विक व्यापार जो होता है, ग्लोबल ट्रेड जो होता है, वो 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है, जो G20 देशों का एक समूह है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको भी शामिल है, और रूस, सऊदी अरब भी शामिल है, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है, साउथ कोरिया, कोरिया जो कोरिया गणराज्य है, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे के सारे देश जो है शामिल हैं। तो हमें तो यहाँ से आंसर मिल गया, यहाँ पे पांचों के पांचों जो देश हैं वो G20 का भाग हैं। ठीक है, तो हमारा जो है डी डी इज़ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4, एक सेकेंड। डी सही होते ही हमारा जो है आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि चतुर्थक क्रियाकलापों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाली जो संस्थाएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, जो फंक्शंस हैं, वो कौन कौन से हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो पहला कथन इसमें कहता है कि चतुर्थक क्रियाकलापों में सूचना का संग्रह, उत्पादन और प्रसार शामिल है, और दूसरा कथन कहता है कि इन क्रियाकलापों को प्रायः गोल्ड कलर व्यवसाय के अंतर्गत काउंट किया जाता है। तो पहला वाला जो कथन है वो तो सही है, इसमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उनका प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना और उनके प्रसार को बढ़ाना, ये जो चतुर्थक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो है रिसर्च भी हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और विशिष्टीकृत जो नॉलेज है, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, इसलिए पहला कथन हमारा सत्य हो जाता है। और जो पंचम क्रियाकलाप होती है, इन क्रियाकलापों को गोल्ड कलर जॉब्स कहा जाता है। ये फिफ्थ जो जो पांचवा क्रियाकलाप है, जो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत जो शामिल किए जाने वाले क्रियाकलाप होते हैं वो उनको गोल्ड कलर जॉब्स कहा जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत होता है, क्योंकि ये बोलता है कि चतुर्थक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, इसलिए दूसरा कथन गलत होते ही हमारा पहला कथन सही होता है और ए इज राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा और अपने इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। पंचम क्रियाकलाप में जो नवीन और वर्तमान विचार होते हैं उनकी जो रचना की जाती है, उनके पुनर्गठन
आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। ये वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारियों, अनुसंधान वैज्ञानिक, वित्त और विधि परामर्शदाताओं इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हमारा इसका दूसरा वाला जो कथन है ये गलत होता है, क्योंकि ये पांचवा जो होता है, ये जो गोल्ड का जॉब्स होता है, वे पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि यह भारत की मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी तथा पश्चिम में संकीर्ण है, और दूसरा है दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलकता चला जाता है, यानी स्लोप शेप में है, और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन लिखा गया है कि भारत की मध्य उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी तथा पश्चिम में संकीर्ण है, पश्चिम में संकीर्ण ना होकर के यह पश्चिम में चौड़ा है। एक सेकंड, ये जो है इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गई है, क्योंकि उच्च भूमि पूर्व में चौड़ी ना होकर के ये पूर्व में संकीर्ण है और पश्चिम वाला जो रीजन है वो चौड़ी स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो पहला कथन जो है हमारा गलत हो जाता है, और दूसरा जो लिखा गया है दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलकता चला जाता है, यानी स्लोप उसका बढ़ता चला जाता है, दूसरी वाला कथन सही है। दूसरा कथन सही होते ही हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। जो मध्य भूमि है, नर्मदा नदी के उत्तर वाला जो भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में जो अरावली से घिरा हुआ क्षेत्र है, वो पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से जाकर मिल जाता है। इस क्षेत्र में जो नदियाँ हैं, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया तथा केन, और दक्षिण पश्चिम में इसके उत्तर की ओर बहती चली जाती हैं। इसलिए मध्य उच्च भूमि जो पश्चिम में है वो चौड़ा लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, इसलिए हमारा पहला वाला कथन गलत हो जाता है। ठीक है, और जो दक्षिण का पठार है वो जो है त्रिभुजाकार के रूप में है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा वाली श्रृंखला है, जबकि जो महादेव कैमूर की पहाड़ी है और मैकाल वाला जो रेंज है वो भी इसी का पूर्वी विस्तार होता है। ठीक है, और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा था पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, ये बात तो दूसरी वाली जो उसमें शामिल ही है ये सही हो जाती है। और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जैसे स्थानीय रूप से इसे मेघालय कार्बी आंगलोंग जो असम वाला रीजन है, कार्बी आंगलोंग का पठार भी बोला जाता है उसको, और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जिसे जाना जाता है, या एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर वाले पठार से अलग हो रखा है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया, जो मेघालय स्टेट के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 कहता है कि बैंगनी क्रांति जो कभी कभी समाचारों में पाया जाता है संबंधित है। बैंगनी क्रांति जो है लेवेंडर फार्मिंग से संबंधित है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको याद होगी तो ये सही हो जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को और ऐड ऑन करते हैं। बैंगनी क्रांति जो है CSIR सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के तहत जो है बैंगनी या लेवेंडर क्रांति की शुरुआत की गई थी, इसी लिए इसको बैंगनी क्रांति या पर्पल क्रांति या पर्पल रिवॉल्यूशन, लेवेंडर रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य जो है जम्मू कश्मीर में लेवेंडर को जो है रोपित करना और उसको बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य जो है घरेलू बाजार किसानों के राजस्व को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके स्थानीय संपत्ति को जो है लाभप्रद बनाना है। ठीक है, अरोमा मिशन के अंतर्गत जो है सुगंध उद्योग, ग्रामीण रोजगार के विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ कृषि प्रसंस्करण उत्पादन उनके विकास वाले क्षेत्रों के माध्यम से जो सुगंध क्षेत्र में परिवर्तनकारी जो परिवर्तन है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए CSIR
चलाया गया एक तरह की परिकल्पना है, ठीक है। इसके अंतर्गत सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें अरोमा एक तरीके की, इस अरोमा का मतलब होता है सुगंधित पदार्थ, इनके उद्योग को और भी बढ़ाया जाएगा जिससे इनकी मांग में तेज़ी से वृद्धि हो सके। अरोमा जो है उद्योग को मेंथोलिक मिंट जैसे कुछ अन्य आवश्यक तेलों के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक प्रतिनिधि बनने में मदद करने में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि करने वाला एक पदार्थ है, ठीक है। चलिए 62 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है कि जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है, और दूसरा है बांग्लादेश जूट दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। जूट दुनिया में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है, ये बात सही है। और दूसरा लिखा है कि बांग्लादेश जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये बांग्लादेश ना होकर के भारत है, ठीक है। ये भारत के संदर्भ में बात सही होगी, और बांग्लादेश जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो दूसरा गलत होता है, पहला सही होता है, तो ये इज राइट आंसर हो जाता है। जूट का कपास की बात अगर करें तो कपास के बाद जूट जो है दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। जूट का उपयोग जो है ज़्यादातर ग्लास वूल के स्थान पर किया जाता है, जियो टेक्सटाइल सक्री जो कार्बन पाउडर होता है दीवार के आवरण बनाने में, फर्श हो गया, वस्त्र हो गया, कालीन हो गया, रस्सी, बोरी, हस्तशिल्प, कागज़ जैसे सैंडबरी, अनेक प्रकार के फर्नीचर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, और दूसरा है निम्न हिमालय की श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित श्रृंखलाओं से हुआ है, और तीसरा कहता है कि शिवालिक श्रृंखलाएं संपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहली बात सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है। अब तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि ये श्रृंखलाएँ जो है उत्तर में स्थित हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से निर्मित हैं। संपीड़ित अवसाद नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है, और पहला कथन दूसरा कथन सही होते ही हमारा ये जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। हिमाचल जो हिमालय होता है जिसको निम्न हिमालय भी बोला जाता है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला का सबसे अधिक विषम वाली स्थिति है यहाँ पे, और हिमाचल या निम्न जिसे निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या परिवर्तित शिलाओं से बना हुआ है, ठीक है। और महान हिमालय जिसके आंतरिक हिमालय भी बोला जाता है, इसके उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी बोला जाता है, जो इसकी सर्वाधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं, इसमें हिमालय के सभी मुख्य चोटियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। और ये तो हमने बताया दिया, ये महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है, और हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। हिमालय महान हिमालय का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है, ठीक है। 64 क्वेश्चन में 64 कहता है कि ऑपरेशन गंगा संघर्ष रत लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु एक निकासी मिशन है, और दूसरा है ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक निकासी मिशन है। ये जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किए गए हुए वाक्य हैं, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे हुए सभी भारतीय निवास नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया एक मिशन था, और जो ये ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी है ये लीबिया में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने हुए थे एक निकासी मिशन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जो है कथन दोनों आपस में एक दूसरे के सेक्शन होने की वजह से दोनों कथन गलत हो जाते हैं, इसलिए हमारा डी जो है राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, और दूसरा है अकार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, और दोनों कथनों के आधार पर बताना है कि हम इनमें से कौन सा कथन सही है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था, और ये बात सही है, और अकार्बनिक रसायनों पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल शामिल होते हैं, ये जो है दूसरा वाला कथन गलत हो जाता है। गलत इसलिए होता है क्योंकि अकार्बनिक रसायनों में पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल शामिल होते हैं, ये अकार्बनिक ना होकर के कार्बनिक होता है, ये ऑर्गेनिक सब जो केमिकल्स होते हैं उनके संदर्भ में पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल, तब जाकर के ये कथन सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अकार्बनिक लिखा हुआ है, इनऑर्गेनिक
जबकि बात जो है ऑर्गेनिक के लिए सत्य साबित होती है, इसलिए दूसरा कथन हमारा गलत होता है और पहला सही होते ही हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि सिटी स्प्रिंग प्रक्रिया टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस हाल ही में समाचारों में देखा गया था और बताना कि ये किस संस्था के द्वारा संबंधित है। पहला है विश्व बैंक, दूसरा है नीति आयोग और तीसरा है विश्व आर्थिक मंच और चौथा है विश्व संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है हमारा, डी भी गलत है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जो है चलाई गई एक तरीके की जो है एक प्रोग्राम है, सिटी स्प्रिंग प्रक्रिया टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें क्या किया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स जो है इनके द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया एक तरीके का प्रोग्राम है। इसमें शहरों के ऊर्जा परिवहन और पर्यावरणीय क्षेत्रों को डीकार्बोनाइज समाधान प्रदान कर एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। इसी के संदर्भ में सिटी स्प्रिंग प्रक्रिया और टूल बॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस ये दो शब्द जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे, उसी लिए हमें ये जो है ये सवाल पूछा गया है, इसलिए हमारा डी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर एजेंसी बोलिए, ये दोनों चीज़ शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। 67 कहता है कार्बनिक उत्सर्जक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड OLED के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है एक कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड में होल इंजेक्शन लेयर में प्रकाश उत्पन्न करता है। दूसरा है OLED डिस्प्ले पर प्रत्येक पिक्सल स्वयं प्रकाश बनाता है। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि इसे अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप इसको क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपको इसको छोड़ देना ही उचित रहेगा। तो ठीक है, इसमें पहला जो कथन है और दूसरा जो कथन है, पहला कथन तो जो है गलत है, दूसरा वाला सही है, तो दूसरा सही होते ही हमारा ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं कि OLED डिस्प्ले पैनल पर प्रत्येक पिक्सल बैकलाइट पर निर्भर होने के बजाय अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है। इसके संदर्भ में हमारा जो ये दूसरा वाला कथन है ये सत्य साबित हो जाता है। ठीक है, अब पहला वाला कथन इसलिए गलत होता है क्योंकि उत्सर्जक परत उपकरण का हृदय जहाँ प्रकाश निर्मित होता है, उत्सर्जक परत में एक रंग परिभाषित उत्सर्जक होता है जो होस्ट पदार्थ में डुबोया जाता है, या वह परत जहाँ विद्युत ऊर्जा सीधे प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है उसको शामिल करता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाले विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपघटन से बनते हैं, ये बात सही है। दूसरा है मैग्नीज का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों और पेंट के निर्माण में किया जाता है, ये भी बात सही है। तीसरा है एक अभ्रक एक खनिज है जो प्लेटों और पत्तियों की श्रृंखला से बना होता है, ये भी बात सही है। तीनों कथन सही है, तो इसलिए हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाता है। थोड़े से और इन्फॉर्मेशन को ऐड ऑन करते हैं। बॉक्साइड जो होता है इसका निक्षेप एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की प्रचुर मात्रा वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों से अपघटित करके बनाया जाता है। यह अमरकंटक का जो पठार है, मैकाल रेंज वाला जो पहाड़ियां हैं, बिलासपुर कटनी के जो पठारी वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है इनका इनके निक्षेप बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य था। कोरापुट जिले में पंचपटमाले भंडार राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट वाला भंडार विद्यमान है। ठीक है, मैग्नीज जो है, मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से स्टील फेरोमैग्नीज मिश्र धातु के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशकों के संदर्भ मैंने पढ़ ही लिया है। और अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों और पत्तियों के द्वारा उनकी श्रृंखला के द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि किस राज्य में भूरे या लिग्नाइट कोयले का भंडार है। 69 में जो है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी, तो पहला और चौथा जिसमें शामिल है उसी को एक बार आप देख लीजिए। तो पहला और चौथा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर वाला भी रीजन भी लिग्नाइट कोयले के संदर्भ में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा और चौथा हमारा तीनों के तीनों पहला हो गया, तीसरा हो गया और चौथा हो गया, ये तीनों कथन हमारा सी में शामिल हैं, इसलिए हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है,
थोड़ा सा जान लेते हैं। एंथ्रासाइट जो होता है कोयला, कोयले के जो है चार प्रकार होते हैं, उनमें एक होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे हाईएस्ट कैलोरी मान वाला जो है कोयले की सबसे उच्चतम गुणवत्ता के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें 80 से जो है 95% कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। ये नीली लौ के साथ जो है जलता है। जम्मू कश्मीर में इसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है। और बिटुमिनस जो होता है इसमें 60 से 80% कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसमें नमी की मात्रा कम होती है, इसका कैलोरी मान उच्च होता है। और झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है बिटुमिनस कोयले के भंडार जो है बड़ी मात्रा में है। और जो तीसरा होता है वो लिग्नाइट कोयला, जिसमें 40 से 55% कार्बन की मात्रा मौजूद होती है। इसमें जो है ज़्यादातर नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसलिए इसको भूरा कोयला बोला जाता है। और उसी के संदर्भ में हमें यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जलने पर धुआं बहुत अधिक करता है। ये जो है विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है तमिलनाडु के तटीय वाले भागों में, पांडिचेरी हो गया, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। और चौथा जो होता है पीट कोयला, यह कम कैलोरी मान वाला जो कोयला होता है, जिसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। और लकड़ी से कोयले में परिवर्तन जब होता है वो प्रथम जो चरण होता है उसी के अंतर्गत जो शामिल किया जाने वाला कोयला है वो पीट कोयला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि भू चुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भू चुंबकीय तूफान के बनने के लिए उत्तर की ओर निर्देश और पवन चुंबकीय क्षेत्र का होना अनिवार्य है। और दूसरा है, उच्च गति वाली सौर पवन धारा सौर पवन विक्षोभ के अनुकूल नहीं है। दोनों कथन इसमें गलत है। अब पहला गलत इसलिए है क्योंकि भू चुंबकीय तूफान का निर्माण करने वाली जो सौर पवनें होती हैं वो मुख्य रूप से मैग्नेटोस्फेयर में दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली सौर पवनें होती हैं। उच्च गति से काफ़ी लंबी अवधि तक ये प्रवाहित होती रहती हैं। यह स्थिति सौर पवन से ऊर्जा को पृथ्वी के चुंबक वाले जो रीजन है, जो चुंबक मंडल है, जो मैग्नेटोस्फीयर है, में स्थानांतरित करने के लिए प्रभावकारी है, ठीक है। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो दूसरे सौर पवन विक्षोभ होते हैं जो भू चुंबकीय तूफानों के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करते हैं वह हैं उच्च गति वाली सौर पवन धारा। इसलिए दूसरा भी कथन गलत हो जाता है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत होती है, हमारा ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज हम 70 क्वेश्चन तक ही करते हैं, बाकी के 30 क्वेश्चन जो हम अगले वाले पार्ट में कर देंगे। ये हमारा पांचवा पार्ट था, बाकी छठे वाले पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे दूसरे वाले टेस्ट को, ठीक है। तो बाकी वाले जो पार्ट्स हैं उनको जो है एक बार जाकर के यूट्यूब चैनल पर आप लोग विजिट करिएगा, और जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं उन सबको, जितने भी पार्ट्स बन अपलोड किए गए हैं उन सबको एक बार एक एक करके एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। धन्यवाद।